अपने प्रदेशव्यापी दौरे के तहत सीएम बघेल बलरामपुर पहुंचे, जहां हेलीपैड पर लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। तो अपने दौरे के तहत सीएम ने जहां गाड़ी रोककर आम लोगों से मुलाकात की, वहीं बच्चों को चॉकलेट भी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ थाने का निरीक्षण भी किया। तो मुख्यमंत्री ने थाने का निरीक्षण किया, ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। तो पुलिस वालों के परिवार से भी मुलाकात यहां पर मुख्यमंत्री की, मंदिर में पूजा अर्चना की, बच्चों को चॉकलेट यहां पर दी गई, आम नागरिकों से मुलाकात की और ये सबसे पूछा कि सब कुछ क्या ठीक ठाक है। हेलीपैड पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने। तो सीएम भूपेश बघेल का ये दौरा, तो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की, इसके अलावा थाने का निरीक्षण किया है, लोगों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे में संगठन की क्या भूमिका रहेगी और टीएस सिंहदेव के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम से खास बातचीत की है हमारे राजनीतिक संपादक रुपेश गुप्ता ने, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम हैं। मोहन मरकाम जी, ये बताइए कि संगठन के लिहाज से किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री के इस दौरे को? माननीय मुख्यमंत्री जी आज से सरगुजा संभाग से दौरा शुरू कर रहे हैं और हमारी सरकार की 3.5 साल की जो उपलब्धियां हैं, नीतियां हैं, योजनाएं हैं, आम जनता को उसका लाभ मिल रही है नहीं मिल रही, उसको नज़दीक से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, जो भी फीडबैक आम जनता से निकल कर आएगा आगे की रणनीतियाँ पे काम करेगी सरकार भी, और जो भी दिशा निर्देश होंगे संगठन को भी दिशा निर्देश देंगे। तो कहीं ना कहीं ये दौरा महत्वपूर्ण दौरा है, इससे बहुत से बातें छन कर आएगी और आगे हम कैसे 1.5 सालों में हम काम करें उसके लिए आगे की रणनीति बनेगी। मतलब ये माना जाए कि जो संगठन है, संगठन के जरिए सत्ता को अच्छा फीडबैक मिलेगा और जो कहा जाता है कि सत्ता और संगठन के बीच में जो दूरियां हैं वो पाटने का काम होगा। देखिए, सत्ता और संगठन में कहीं दूरियां का सवाल ही नहीं उठता। छत्तीसगढ़ में संगठन और सत्ता दोनों तालमेल के साथ अच्छा काम कर रही हैं, उसी का परिणाम है हम चारों उपचुनाव जीतने में सफल हुए। हम नगरीय निकाय में एक तरफा हम जीते, पंचायत चुनाव में जीते। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर कोई कमियां हैं उन कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर रवाना हुए हैं तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी रवाना हुए हैं, तो एक समय में दोनों की रवानगी, दोनों के दौरे को किस तरह से देखें? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी दौरे कर रहे हैं और माननीय टीएस सिंहदेव साहब भी उनके विभागीय जो कार्यों की समीक्षा करने गए हैं, तो इसमें अपने अपने विभाग की समीक्षा होते रहना चाहिए ताकि उसमें काम में गति आएगी और कुछ कमियाँ हैं तो उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से सत्ता को संगठन के जरिए फीडबैक मिलेगा और अगले 1.5 साल का सफर आसान होगा। 2023 में उन्होंने जीत की उम्मीद भी जताई है। रायपुर से रुपेश गुप्ता, न्यूज 24।